हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस लेटर राइटिंग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। सो व्हाट इज़ फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, हमें ये डिफाइन करना आना चाहिए कि फॉर्मल लेटर कैसे होते हैं, इनफॉर्मल लेटर कैसे होते हैं। सबसे पहले तो व्हाट इज़ ए लेटर, लेटर है क्या? तो स्टूडेंट्स, लेटर इज ए फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन और टू पार्टीज ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक, मैटर, इशू या फिर इंसिडेंट एट्सेट्रा। इट सर्विस द पर्पज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एज वेल। कि जो लेटर है वो एक कम्युनिकेशन का बहुत ही अच्छा माध्यम है। ठीक है, अब लेटर्स टू टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं? सच लेटर्स इंक्लूड ऑफिशियल लेटर्स, बिजनेस लेटर्स, लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन, लेटर्स टू द एडिटर, टू हेड्स ऑफ पब्लिक बॉडीज एट्सेट्रा। ठीक है, फॉर्मल लेटर में क्या आते हैं कि जो लेटर्स ऑफिशियली या फिर बिजनेस या फिर एप्लीकेशन लेटर होते हैं, लेटर्स टू द एडिटर, वो सब फॉर्मल लेटर्स होते हैं। क्लियर? और इनफॉर्मल लेटर्स, दीज लेटर्स आर रिटन टू फ्रेंड्स, रिलेटिव, मेंबर्स ऑफ द फैमिली एंड अदर क्लोज। ठीक है, तो पहले हम फॉर्मल लेटर करेंगे और उसका क्या फॉर्मेट होता है उसके साथ करेंगे। ठीक है, तो पहला फॉर्मल लेटर है, देखिए स्टूडेंट्स, अब हम फॉर्मल लेटर करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक लेटर लिखा है, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल मेकिंग सजेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्कूल कैंटीन। कि आपको फॉर्मल लेटर में एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए होता है कि प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है जो स्कूल कैंटीन की कैसी कंडीशन है वो बताता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर यहाँ पे एड्रेस दिया गया हो तो हमें वही एड्रेस लिखना है। बट काफ़ी बार एड्रेस नहीं, मतलब जनरली एड्रेस नहीं होता है, जब छोटे स्टैंडर्ड होते हैं उनमें एड्रेस होता है। तो फॉर्मल लेटर में क्या होता है कि इस तरह से आपको एग्ज़ाम में दिया रहेगा और आपको लेटर लिखना है, जैसे श्रीजी पब्लिक स्कूल, यहाँ पे कोई भी स्कूल का नाम लिख सकते हो आप, मादापुर एंड भुज कच्छ एंड पिन नंबर एंड डेट। ठीक है, उसके बाद यहाँ से टू द प्रिंसिपल, फिर श्रीजी पब्लिक स्कूल भुज, फिर सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्कूल कैंटीन। स्कूल कैंटीन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनमें इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो आपने सजेस्ट किया है टू प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल को एक लेटर लिखा है जिसमें ये सजेशन दिया गया है कि स्कूल की कैंटीन है उसकी कंडीशन ख़राब है, आप उसमें इम्प्रूवमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो किस तरह से लिखना है, सब्जेक्ट लिखने के बाद हम लिखते हैं रेस्पेक्टेड सर। ठीक है, उसके बाद ये जो लेटर है इसी के अकॉर्डिंग हमें लिखना है, ये 3 या 4 मार्क्स का, जितने भी मार्क्स का आता है वो आपको उसमें लिखना है। ठीक है, जैसे कि रेस्पेक्टेड सर के बाद आई एम वेटिंग दिस लेटर ऑन बिहाफ ऑन माई ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, इट पेन्स मी टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द पैथेटिक कंडीशन। कि इसकी कंडीशन है बहुत पैथेटिक है, किसकी, कैंटीन की, एंड द मैनेजर इज केयरलेस अबाउट सैनिटेशन एंड हाइजीन, द फ्लोर इज वेरी बैड एंड अनवॉश्ड एवरी टाइम, सो ए रेगुलर क्लीन अप विद इज़ नेसेसरी टू इम्प्रूव द सैनिटरी कंडीशन ऑफ द कैंटीन, बिसाइड वी हैव सीन द कुक यूजिंग सब स्टैंडर्ड अनहाइजीनिक ऑयल फॉर कुकिंग वेरी ऑफन, प्रीवियसली यूज ऑयल इज रीयूज टू कुक द नेक्स्ट डेज फूड। कि खाना है वो अच्छे से नहीं बन पा रहा है, ऑयल है उसको रीयूज किया जा रहा है, एंड स्ट्रिक्ट वार्निंग फॉर योर दिस कोर कुड परस्यूड द कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर नोट बी स्टिंगी एंड केयरलेस, द कॉस्ट ऑफ हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, इससे बच्चों की हेल्थ को नुकसान हो रहा है। एक पैराग्राफ लिखने के बाद आपको पैराग्राफ चेंज कर देना, एंड उसके बाद लास्ट में लिखना है, सर वी ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू परस्यूड द कॉन्ट्रैक्टर टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द फूड आइटम इन ऑर्डर टू सूट अवर pockets. We are sure that we'll personally look into the matter and set things right soon. फिर लास्ट में हम लिखते हैं योर ओबीडेंटली नेम एंड स्टैंडर्ड। ठीक है, इट इज़ फॉर्मल लेटर।
Now we will discuss about informal letters. Informal letters, these are letters are written to friends and relatives. For example, write a letter to your uncle thanking him for the birthday gift sent by him to you. कि आपके अंकल ने आपको कुछ बर्थडे गिफ्ट सेंड किया होगा और आपको उसका रिप्लाई करना है एज ए थैंकफुल. तो किस तरह से हम लेटर लिखेंगे, इनफॉर्मल लेटर. याद रखना, फॉर्मल लेटर है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए लिखा जाता है और ऑफिशियली या बिजनेस के लिए, लेकिन इनफॉर्मल लेटर है वो किसी रिलेटिव को लिखा जाता है, फैमिली में किसी को लिखा जाता है. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एड्रेस आएगा. यहाँ पे कोई भी एड्रेस हम लिख सकते हैं, 15 नेहरू पार्क, जवाहर चौक, तहली. अब वो लिखता है माय डियर अंकल. उसके बाद वो जो हमें अपनी बात बोलनी है वो सब लिखते हैं, जैसे मैनी थैंक्स फॉर द पीसीएस वॉच विच यू सेंड टू मी एज माय बर्थडे गिफ्ट. आई लाइक द वॉच वेरी मच. इट विल बी माय प्राउड पजेशंस. इट इज़ वेरी हेल्पफुल एंड यूजफुल फॉर मी. एंड यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे गिफ्ट के तौर पे बुक भेजी हो या फिर कोई यहाँ पर रिस्ट वॉच भेजी हो. अगर यहाँ पे बर्थडे गिफ्ट में रिस्ट वॉच मेंशन है तो आपको मैटर में रिस्ट वॉच ही लिखनी है. ठीक है, अदरवाइज कोई भी गिफ्ट का आप नाम दे सकते हो. आई वॉज इन अर्जेंट नीड ऑफ रिस्ट वॉच एज आई हैव टू गो टू माई स्कूल एंड क्लासेज रेगुलरली. द वॉच हेल्प मी ए ग्रेट डील इन बींग पंचुअल. कि ये मुझे टाइम के लिए भी पंचुअल होना सिखाती है. एंड इसके बाद एक पैराग्राफ चेंज कर देना है. ठीक है, 3-4 लाइन्स आफ्टर यू कैन चेंज द पैराग्राफ. एंड वी मिस्ड यू वेरी मच ऑन दैट डे. इट वुड हैव बीन ए ग्रेट जॉय टू यू हैव टू यू एंड आंटी एंड माई कजिन्स विद अस ऑन दैट डे, बट आई एम ग्लैड दैट योर ब्लेसिंग आर ऑलवेज विद मी. फिर कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू माई कजिन्स. और लास्ट में I thank you once again, your loving. Last में यहाँ पे my dear uncle के बाद पूरा मैटर आ जाता है. और यहाँ पे left side में लिखते हैं हम your loving nephew, फिर आपका नाम. ठीक है students, इस तरह से आपको ये दोनों letter formal और informal जो मैंने matter दिया है इसी heading को base रखते हुए आपको ये मुझे लिख कर send करना है, notebook में लिखना है. जैसे फर्स्ट ये फॉर्मल लेटर, ठीक है, इसको पूरा अच्छे से लिख के फिर मुझे सेंड करना है. और ये इनफॉर्मल लेटर, ये पूरा लिख के सेंड करना है. और आपको कभी भी ये एग्ज़ाम में पर्टिकुलर ये नहीं मिलेगा कि आपको ये लिखा मिले. ठीक है, आपको सिर्फ इसका फॉर्मेट आना चाहिए, इसको लिखना आना चाहिए, तो यू कैन डू इट ईजीली. ओके स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस इज बेटर देन अदर. प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो यू कैन गेन एवरीथिंग. ओके स्टूडेंट्स, राइट इन योर नोटबुक एंड सेंड मी. ओके, थैंक यू.